हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद हेमा। तो गाइस, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी चुकंदर की पूड़ियाँ, क्योंकि ये पूड़ियाँ बहुत ही हेल्दी होती हैं। चुकंदर के गुड़ों से तो आप सभी लोग परिचित हैं कि ये हमारे शरीर में खून की कमी होती है तो उसको ये दूर करती है, और भी बहुत सारी खूबियाँ चुकंदर में होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चुकंदर की पूड़ी बनाने के लिए हमने लिया है 2 चुकंदर, और चुकंदर को हमने ग्रेट कर लिया है, छील करके उसके बाद ग्रेट कर लिया है। तो ग्रेट करने से एक फ़ायदा होता है कि जब हम चुकंदर को ग्राइंड करते हैं तो उसमें बिल्कुल भी टुकड़े नहीं रहते हैं, तो इस वजह से हमने चुकंदर को ग्रेट कर लिया है, क्योंकि चुकंदर थोड़ी हार्ड होती है और ग्रेट करने में थोड़े बहुत टुकड़े उसमें रह जाते हैं। और लिया है इसमें टेस्ट को बढ़ाने के लिए 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 5-6 कली लहसुन की और 1 हरा मिर्च। हरा मिर्च की मात्रा आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। तो अब लेना है एक मिक्सी का जार, और उसमें हम ये ग्रेट किया हुआ चुकंदर को डाल देंगे, और इसमें हरी मिर्च को हम कट करके डाल देंगे, बाकी चीज़ों को भी इसी में डाल देंगे, और थोड़ा सा पानी डाल करके इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, इसकी प्यूरी जैसी बना लेंगे। तो ये देखिए, हमने इसकी प्यूरी बना ली है। अब इसमें बिल्कुल भी टुकड़े नहीं हैं, बहुत बढ़िया सी प्यूरी बन गई है। तो इधर हमने लिया है 3 कप आटा, और ये 1 छोटा चम्मच अजवाइन है, इसको हम ऐसे हाथों पे मसल के डालेंगे। इससे क्या होगा कि जो अजवाइन की खुशबू है वो बहुत अच्छी आएगी, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने नमक डाल दिया है, तो नमक यहाँ पर हमने 1.5 चम्मच डाला है, नहीं 1 और आधा। और ये जो प्यूरी है ना, इसको हम इसमें डाल करके आटे को गूंथ लेंगे। तो गाइस, अभी वीडियो छोड़ के जाइएगा नहीं, अभी इसकी एक सीक्रेट चीज़ आपको हम बताएंगे। आटे को हमने गूंथ लिया है, अब इसमें डालेंगे हम 1 टेबल स्पून ऑयल। तो ऑयल हम इस समय डालेंगे, ऑयल हमने पहले नहीं डाला था, ये सीक्रेट चीज़ है हमारी। ऑयल इस समय डालने से जो हमारी पूड़ियाँ हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी और बहुत ही खस्ता भी बनेंगी। पहले ऑयल जब हम डाल देते हैं तो जो पूड़ियाँ होती ना वो नरम हो जाती हैं, लेकिन आप इस तरह से बाद में ऑयल डाल करके और आटे को अच्छी तरीके से इसको 3-4 मिनट तक गूंथ लीजिए और एकदम चिकना कर लीजिए, फिर देखिए आपकी पूड़ियाँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी भी बनेंगी। और ये पूड़ियाँ जब बनेंगी ना, तो बड़े तो क्या, बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे, क्योंकि बहुत ही स्वादिष्ट बनती हैं। तो बस आटे को गूंथने के बाद इसकी छोटी छोटी सी हमें लोइयाँ बना लेनी है। तो आप जिस भी साइज़ की पूड़ियाँ अपने घर में बनाते हो ना, बस उसी साइज़ की लोइयों को ऐसे बना लीजिए। तो हमने देखिए लोइयाँ बना लिए। अब इसका बेलने का जो भी एक सीक्रेट है ना, वो हम आपको बताते हैं। तो हम इसमें आटा लगा करके इस पूड़ी को नहीं बेलेंगे, इसमें हम लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल। तो ऑयल हम लगाएंगे इसलिए क्योंकि जो हम ऑयल लगा करके पूड़ियाँ बनाते हैं, एक तो बहुत अच्छी बनती हैं, बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं, और दूसरी चीज़ जब हम ऑयल में तलते हैं, यानी कि जिस ऑयल में हम पूड़ियों को तलते हैं, वो ऑयल हमारा ख़राब नहीं होता है। आपने देखा होगा घर में पूड़ियाँ आप बनाते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब ऑयल में हम बर्थन लगा करके पूड़ियों को बनाते हैं तो वो बर्थन जो होता है ऑयल में छूट जाता है, और जो नीचे का ऑयल होता है वो काला हो जाता है। लेकिन अगर आप ऑयल लगा करके ऐसे पूड़ियों को बनाएंगे तो जो बर्थन है वो बिल्कुल भी ऑयल में नहीं छूटेगा, और पूरी पूड़ियाँ आपकी जितनी भी हैं वो एकदम साफ साफ बनेंगी, और आपका लास्ट पूड़ी तक आपका ऑयल एकदम साफ रहेगा। तो आप हमारी इस ट्रिक को अपना करके ज़रूर देखिए, फिर आप बताइएगा कि आपकी पूड़ियाँ कैसी बनी। एक तो जो पहली ट्रिक है वो हमारी है कि आप ऑयल लगा करके बाद में आटे को गूंथिए। दूसरी टिप आज ये है कि जो आप पूड़ियाँ बेलते समय ऑयल लगा करके बेलें, बर्थन लगा के ना बेलें। फिर बताइएगा कि आपकी पूड़ियाँ कैसी बनी। बस ऐसे अलटते पलटते हुए हमें सारी पूड़ियों को ऐसे तल लेना है। तो आपको चुकंदर की पूड़ियों की रेसिपी कैसी लगी? अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को और अपने परिवार में इसको शेयर करें, और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, और पास में बनी हुई बेल आइकन को भी पुश करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो गाइस, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए ईट हेल्दी, थिंक हेल्दी।